अब रुक करेंगे ऊना की ओर। हरोली से आजाद उम्मीदवार रविंद्र मान ने अपने चुनावी अभियान में तेजी ला दी है। मान को हरोली की जनता से भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। मान की माने तो हरोली में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और नशे का है, जिसे लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। मान की माने तो बीजेपी ने उन्हें स्वागत कार्यक्रम में बेइज्जत किया था, जिस कारण वे नाराज होकर अब चुनाव मैदान में हैं। वोटर हैं, इन सब से हमें हौसला है, क्योंकि ये सारे वोटर बहुत ही हताश हैं दोनों पार्टियों के लीडरों से। इधर राम कुमार को टिकट मिली, उधर मुकेश अग्निहोत्री, अग्निहोत्री जो भी अग्निहोत्री की काम करें वो सिर्फ टोबे बना दिए, रेन शेल्टर बना दिए, विकास का कुछ काम नहीं। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विकास की गंगोत्री बह रही है। गंगोत्री जगह जगह पे लिखा हुआ है, पर एक गंगोत्री है कहाँ, हमें नहीं दिख रही। कितने हमारे युवा यहाँ से जो नौकरी लगे हैं, कुछ नहीं। इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये, यहाँ से इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है। तराकी यूनियन है, उसका बुरा हाल है। आप लोगों को जाके पूछिए एक बार। सो इन लोगों के कहने के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। चलो अगर हम ये तो चुनाव से पहले घोषणा पत्र अपना जारी करते ही हैं। अगर आप 10 साल पहले का इनका कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाएं तो इन्होंने कहा था घर घर में नौकरी देंगे। पंजाब की बात कीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पंजाब के हर घर में मैं नौकरी दूंगा। क्या मिली? अब वो अब ये भी बयान आ रहे हैं कि हर घर को तो देनी नौकरी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। सो जो ये कांग्रेस का दावा सारा एक झूठा है। बिल्कुल सरकार में कर सकते थे, अगर इन्होंने सरकार में नहीं किया तो ये बाद में कैसे करेंगे। देखिए इसके पीछे एक मेन कारण, 7 जुलाई 2017 को भाजपा ने एक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की थी। हमने तालीवाल में इनका स्वागत किया था, कोई 7-750 के करीब होंगे हमारे जो वर्कर सब भी देखी थे। सो बीजेपी के वर्कर होने के नाते सारे इकट्ठा हुए थे, उसमें अपने सांसद अनुराग ठाकुर जी भी थे, वरिंदर कंवर जी कटलैट से MLA, तो सतपाल सत्ती जी, और थे जो हमारे लोकल। सो सतपाल सत्ती जी ने वहां पे, आप सब मीडिया वालों को पता है, 750 बंदों को कहा दफा हो जाओ यहां से, कांग्रेस में चले जाओ, काफी अपशब्द भी बोले। सो जिसके कारण और जो बीजेपी के हमारे जो हमारे मतलब वोटर हैं यहाँ के हरोली क्षेत्र के, वो राम कुमार को अच्छा नहीं समझ, क्योंकि इन्होंने जब हमारे जिगरू भाई साहब खड़े थे आज से 10 साल पहले, तो इन्होंने उनके खिलाफ काफी बयानबाजी, जो इन्होंने गलत काम किया पार्टी में, वो हर एक वोटर को पता है। इसके कारण वोटरों के कहने के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ। युवाओं को नौकरी और जो इंडस्ट्री है हमारी, कम से कम 70% हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे हरोली क्षेत्र के जो लोग हैं इंडस्ट्री में नौकरी करें। ये बात अगर वोटर ही मुझे जताएगा, सो जो वोटर डिसाइड करेगा जो हरोली क्षेत्र के, उनके कहने के ऊपर ही हम काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो कहेंगे कहीं नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अगर ये मेरे ऊपर भरोसा दिखाएंगे तो मैं इनका भरोसा कायम रखूंगा।